झारखंड समाचार। झारखंड आदिम जनजाति गांव की बदले की सूरत, खर्च होंगे 5 करोड़। झारखंड के आदिम जनजाति समुदाय के लोगों व उनके गांव की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार ने योजना बनाई है। इस योजना के तहत सभी आदिम जनजाति परिवार को पक्का मकान देने, पेंशन देने, सर्वांगीण विकास के लिए जनजाति के बच्चों को शिक्षा देने, गांव में मूलभूत सुविधा पानी बिजली सड़क चिकित्सा बहाल शामिल है। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के घर से भाजपा विधायक ने पार्टी सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा, दुमका सांसद ने किया पलटवार। किसी न किसी कारणों से हमेशा चर्चा में रहने वाले सारण विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर सिंह एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने अपने ही पार्टी भाजपा के सांसद सुनील सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हैरान करने वाली बात है कि रणधीर सिंह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के घर में बैठकर अपने ही पार्टी सांसद के खिलाफ बयानबाजी की है। इससे तरह तरह की चर्चा हो रही है। इस मुद्दे पर दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि रणधीर सिंह बताएं कि वह किस पार्टी के विधायक हैं। झारखंड में पुराने दरों पर होगा रखरखाव व मरम्मत कार्य, सरकार ने 2018 के SOR पर दी सहमति। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए शेड्यूल ऑफ रेट को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक साल के लिए वर्ष 2018 का शेड्यूल ऑफ रेट तय किया गया है। उसी दर पर 2020-21 में कार्य योजना के लिए सहमति दी गई है, लेकिन इस SOR पर केवल अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य होगा। इस दर पर नया कार्य नहीं होगा। सरकार नए कार्य के लिए नया SOR तय करेगी। पाकुड़ में बनेंगे 6 पर्यटन स्थल। जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक बुधवार को DC कार्यालय के सभा कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला पर्यटन संवर्धन समिति के अध्यक्ष कुलदीप चौधरी ने की। इसमें जनप्रतिनिधि एवं समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में पर्यटन मद के अंतर्गत स्वीकृति योजनाओं की उपायुक्त द्वारा क्रमशः समीक्षा की गई। इसमें 6 नए स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व से संचालित 8 योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास की सुस्त रफ्तार पर DDC ने लगाई फटकार। खबर झारखंड के कोडरमा से है। उप विकास आयुक्त R. रोंटिया ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रखंड में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास व 14वें वित्त आयोग से चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर कोऑर्डिनेटर सुमित कुमार को बड़ी फटकार लगाई। प्रखंड मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान DDC ने भवन में पदाधिकारियों के कक्ष, मीटिंग हॉल, शौचालय, तड़ित चालक, छत, पेयजल की स्थिति का जायजा लिया। DDC ने उपस्थित भवन के केयर टेयर को 8 दिनों के अंदर भवन की साफ सफाई कर प्रखंड को हैंड ओवर करने का निर्देश दिया है। दुमका पहुंचने पर हेमंत सोरेन ने कहा, बड़े पैमाने पर नौकरियां निकालने की तैयारी में है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुमका यात्रा का आज 3रा दिन है। सिद्धू कानू मुर्मू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का विवरण करेंगे। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री रांची के लिए दुमका एयरपोर्ट रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुमका प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए सुशीला देवी और लकी देवी को आवास आवंटन किया। CM ने शहर विकास के लिए नगर विकास विभाग की ओर से नगर पार्षद को 1 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 40 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया शिलान्यास। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 96,47,72,900 रुपये की लागत से 40 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें लगभग 80 करोड़ की 32 योजनाओं का उद्घाटन एवं लगभग 16 करोड़ की 8 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर दुमका शहर में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1 करोड़ रुपये दिए गए। कार्यक्रम में 13 लोगों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं रोड मरम्मती के लिए 6.50 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ने प्रदान किए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, निःशक्तों को श्रवण यंत्र, जहरथान की घेराबंदी, कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना,
जुहार परियोजना समेत कई और योजनाओं को लाभुकों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र व लाभ प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विधायक श्री स्टीफन मरंडी, बसंत सोरेन, डीआईजी, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों में जल्द होगी नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी विभागों में हजारों रिक्तियां हैं, उसकी अधिकारियों के समीक्षा की है, इन पदों को भरने की दिशा में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बाबत झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों को भी समीक्षा की जा रही है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सके। बागवानी मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी। ग्रामीण विकास विभाग और से बिरसा मुंडा बागवानी योजना का रानी डी व बांध डी गांव में बुधवार को वीडियो कुलदीप कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने लाभुकों को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने रानी डी के ट्रेंच कटिंग व बांध डी में घेराबंदी कराने का निर्देश दिया। कहा कि किसान एक एकड़ खेत में आम का पेड़ लगाकर कम से कम 15,000 से 20,000 रुपया प्रतिवर्ष कमा सकते हैं। किसान को 96 इमारती पौधे लगाते हैं, जिसमें से उन्हें 10-15 वर्ष बाद लाखों की आमदनी होगी। किसानों को आम के पेड़ों के बीच खाली जमीन में मौसमी सब्जी खेती करना अनिवार्य है। योजना 3 वर्षों की है। पेड़ों की देखभाल, सिंचाई और खाद आदि के लिए राशि सरकार देगी। इस योजना के लिए प्रकलित राशि 1,67,500 रुपया है। मौके पर मुखिया सुशील टुडू, बीपीओ देवेंद्र झा, रोजगार सेवक सुरेश किस्कू, लाभुक इंदु सिंह उपस्थित थे। रघुवर राज में पूंजीपतियों का चारागाह बना था झारखंड। रघुवर सरकार ने प्रदेश को पूंजीपतियों का चारागाह बना दिया था। नई सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, खासकर युवाओं को रोजगार दिलाने का। पूर्व की सरकार हाथी उड़ाते उड़ाते युवाओं का जीवन बर्बाद करके चली गई। यह बात ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित सर्किट हाउस में मंत्री ने कहा कि रघुवर सरकार ने महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्रेशन योजना लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने का काम किया। इस योजना से गरीबों को लाभ नहीं मिला है। साथ ही भाजपा ने किसान योजना लागू कर किसानों का ठगने का काम किया है, इसलिए झारखंड की जनता ने भाजपा को राज्य से बाहर कर दिया। शिक्षा मंत्री ने खरीद ली कोर्स की किताबें, वीडियो शेयर कर बताया कार में ही करते हैं पढ़ाई। झारखंड के शिक्षा और आबकारी मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों बहुत व्यस्त रहते हैं। सरकारी काम काज के अलावा उन्हें अपने सिलेबस का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही इंटरमीडिएट यानी 12वीं की कक्षा में दाखिला लिया है, लिहाजा उन्हें मंत्री पद के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। इसलिए सरकारी काम से समय निकालकर वो किताबें के पन्ने भी पलटते नजर आते हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज खुद ही इस प्रमाण भी दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो अपनी कार में किताबें पढ़ते नजर आ रहे हैं। मंत्री की पढ़ाई को लेकर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने हाल ही के दिनों में बयान दिए थे कि इसलिए आज शिक्षा मंत्री ने वीडियो के साथ साथ ट्वीट पर यह जानकारी दी है कि उन्होंने अपने कोर्स की किताबें खरीद ली है। मंत्री ने ट्वीट पर लिखा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं इंटर की पढ़ाई कब करूंगा, कैसे करूंगा। झारखंड में हर 10,000 की आबादी पर खुलेगा प्लस टू हाई स्कूल। झारखंड में प्लस टू उच्च विद्यालयों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हर 7 से 8 किलोमीटर की परिधि पर एक प्लस टू हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर 10,000 की आबादी में एक प्लस टू हाई स्कूल खोला जाना है। इस संबंध में झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सचिव राहुल शर्मा ने सभी जिले के उपायुक्त, क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर जिला स्थापना समिति चयनित हाई स्कूलों का अनुमोदन करते हुए अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने खरीदी ऑल्टो कार, बाइक और साइकिलें। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बड़ी संख्या में ऑल्टो कार, मोटर बाइक और साइकिलें खरीदी है। वो अपना वादा निभाने वाले हैं, जल्द ही कार, मोटरसाइकिल और साइकिलों का वितरण करेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वह टॉपर्स को ऑल्टो कार देंगे। जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में स्टेट टॉपर को ऑल्टो कार देंगे। साथ ही यह भी कहा था कि मैट्रिक की
परीक्षा में बोकारो जिला के अलावा अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों जो मैट्रिक की परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक लाएंगे उन्हें साइकिल गिफ्ट करेंगे। कल कुल मिलाकर 303 छात्रों के बीच आल्टो कार बाइक और साइकिल का वितरण किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि 23 सितंबर को रांची में वह स्टेट टॉपर को आल्टो कार देंगे। विद्यार्थियों को उनका पुरस्कार 23 सितंबर को झारखंड को श्री विनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। रेलवे ने लिया एक बड़ा फैसला, तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। यात्रियों की जबरदस्त मांग के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने कुछ खास रेल मार्गों के लिए 40 और ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इनमें से 19 जोड़ी स्पेशल क्लोन ट्रेन होगी, जबकि एक जोड़ी जन शताब्दी ट्रेन चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का संचालन आगामी सोमवार यानी 21 सितंबर से शुरू होगा। रेलवे के मुताबिक 21 सितंबर से चलने वाले 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन में से अधिकांश बिहार जाने वाली और वहां से वापस आने वाली है। ट्रेन चलाने की सर्वाधिक मांग उन्हीं क्षेत्रों से आ रही है जहां से प्रवासी कामगार अपने रोजगार के लिए औद्योगिक शहरों की ओर लौटना चाहते हैं। इनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और दक्षिण के राज्य में शामिल हैं, जिनके बीच क्लोन ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक इन सभी ट्रेनों में वही किराया वसूला जाएगा जो कि इन मूल ट्रेन में लिया जाता है। लखनऊ और दिल्ली के बीच जनशताब्दी ट्रेन चलेगी। इन सभी ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन और टिकट की बुकिंग इनका संचालन शुरू होने के 10 दिन पहले ही शुरू होगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 30 सितंबर को आएगा फैसला। आडवाणी जोशी उमा है इनमें आरोपी। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी और कोर्ट ने सभी आरोपियों को फैसला सुनाने के लिए कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने की इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती व कल्याण सिंह आरोपी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, किसानों के उत्पाद की कीमत बढ़ने वाले हैं। तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार के कृषि संबंधित बिलों के बारे में बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा, बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन तीनों बिल को हम संसद में एक्ट के रूप में पास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ये तीनों बिल किसानों के उत्पादों का दाम बहुत तीव्र गति से बढ़ाने वाले हैं। खबर है बिहार से। चुनाव आयोग ने बिहार के 12 राजनीतिक दलों के बदले चुनाव चिन्ह, मांझी की हम भी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 12 राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह बदल दिए हैं। चुनाव आयोग ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिन्ह हॉकी को बदलकर कैंची कर दिया है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी को टेलीफोन की जगह पेन अर्थात कढ़ाई चुनाव चिन्ह कर दिया गया है। खबर है झारखंड से। युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दुमका दौरे के दौरान सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कल उन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 को बहुत बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि लोग भूख से नहीं मरे, इसलिए उनकी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाएगा। अस्थाई रोजगार सबसे बड़ी समस्या। शहरों में 11% तो गांव में 29% कामगार हैं अस्थाई। रोजगार की अनिश्चितता लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है, लेकिन केंद्र सरकार ने माना है कि देश के शहरी इलाकों में 10.7% और ग्रामीण इलाकों में 29.3% लोगों के पास अस्थाई रोजगार नहीं है। ये लोग अस्थाई प्राकृतिक कामकाज से जुड़े हुए हैं या बड़े संस्थानों में इन्हें अस्थाई तौर पर रखकर काम किया जाता है। इस वर्ग की आर्थिक सुरक्षा के लिए समय समय पर न्यूनतम पारिश्रमिक राशि तय की जाती है। हर 6 माह पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इनका पूर्ण मूल्यांकन भी किया जाता है। अगले माह से अंत्योदय राशन कार्ड धारक को मिलेगी चीनी। अंत्योदय राशन कार्ड धारक की चाय में मिठास बढ़ाने वाली है। सरकार ने अक्टूबर से इन कार्ड धारक को प्रति कार्ड 1 किलोग्राम चीनी देने की योजना बनाई है। इस माह के अंत में उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ चीनी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले जनपद में नवंबर 2016 तक सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानों में सब्सिडी के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को कम मूल्य पर चीनी वितरित की गई। इसके बाद बजट के अभाव में चीनी का वितरण कम बंद कर दिया गया। जनपद में 930 दुकानों पर ऐसे कार्ड धारकों की संख्या 9229 है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
रेलवे के निजीकरण का विरोध फिर से शुरू। रेलवे के निजीकरण का विरोध एक बार फिर से शुरू हो गया। इस बार एनआई रेलवे मजदूर यूनियन 14 से 19 सितंबर तक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस दौरान सभी क्षेत्रों में जन जागरण सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। विरोध के तीसरे दिन लोगो शाखा द्वारा मंडल मंत्री अजय कुमार वर्मा के निर्देश में शाखा मंत्री प्रवीण कुमार ने नेतृत्व में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कामरेड आरती कुमार ने कहा कि सभी लोगों को मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा, तभी मांगों को पूरा कराया जा सकता है। रेलवे बचाओ देश बचाओ नारे के साथ यूनियन जन जागरण अभियान करके लोगों को जागरूक करेगी। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों का मजाक बनाया, किसी को 4 तो किसी को 6 रुपए मिले। एमपी के विदिशा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मजाक बनकर रह गई है। जिले के बिछिया गांव में किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में 4 रुपए और 6 रुपए की रकम खाते में मिली है। इस साल कुदरत के प्रकोप से किसानों को हालात पहले ही खराब है। बारिश में पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ से कई लोगों को खेत पूरी तरह से तबाह हो गई है। बीमा की राशि भी जो मिल रही है वो उनके जले पर नमक छिड़क रही है। किसी किसान को 300 रुपए प्रीमियम जमा करने के बाद नुकसान के आधार पर सिर्फ 4 रुपए 89 पैसे मिले तो किसी को 6 रुपए और किसी को 3 रुपए, जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें 10,000 से 15,000 रुपए तक की राशि मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्न उत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न, 6560 सदस्यों को दी गई पात्रता। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार कल जिला स्तरीय मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना उन्नव उत्सव कार्यक्रम सुबह 11:30 पे नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिससे नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 14,851 परिवारों के 65,600 सदस्यों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।